फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए आज हम बहुत ही टेस्टी पोटैटो बॉन्ड बनाते हैं। इसके लिए हमने ग्रीन चिली, लहसुन और जीरा ले लिया। इसे हम बारीक किसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से इसमें चिली ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई को गर्म होने के रख दिया है। इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसमें हमने 2 से 2.5 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। जब अच्छे तरीके से हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर जीरा डालेंगे। और यहाँ पर हमने 3 से 4 रेड चिल्ली ले लिया, इसे भी हमने तोड़ कर डाल दिया है, जिससे कि जो हम ये स्टफिंग बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। ये जो हमने रेड चिल्ली और लहसुन का और जीरा का पेस्ट तैयार किया था, उसे डाल देंगे। अब इसे हम सुनहरा होने तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, जिससे कि टेस्ट भी इनहेंस होता है और कलर भी बढ़िया आता है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर अच्छा लगता है, उसी से जब हमने चिली डाला था ना, रेड चिली, उसी समय आप डाल सकते हैं अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर अच्छा लगता हो। लेकिन आज हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने आलू को बॉईल कर लिया है। अब इसे मैश करके हमने इसमें जितना मतलब नमक चाहिए इसके हिसाब से उतना हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। हमें जितना नमक चाहिए हमने उस हिसाब से डाल लिया है। देखिए, अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर से वाली रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बनाना भी बहुत ईजी है। देखिए, अभी इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, जिससे कि मसाले अच्छे तरीके से जो हमने आलू बॉईल करके डाला है ना, उसमें अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएंगे। और हमें इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, जिससे कि मसाले अच्छे तरीके से आलू में मिक्स होंगे और पक जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। अब इसमें फ्रेश धनिया की पत्ती डाल देंगे। अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए, हमने इतना स्टफिंग तैयार कर लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, यहाँ पे हमने उतनी स्टफिंग के लिए इतना मतलब बेसन ले लिया है। ये 2.5 कटोरी के करीब बेसन है। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और ये जो हमने पेस्ट डाला था ना, वाला भी पेस्ट डाल देंगे। लहसुन लहसुन का, ग्रीन चिल्ली का और जीरा का जो पेस्ट हम तैयार किया था, उसे डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रेड चिल्ली का फ्लेवर अच्छा लगता है,
तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, अगर उसको थोड़ा सा और तीखा करना है तो, अदरवाइज इतना तीखा ठीक है इसलिए हमने नहीं डाला है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए हम इसे एक ही डायरेक्शन में से मिक्स करना होता है। इसकी क्वांटिटी के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। फ्रेंड्स एक ही बार में हमें ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे फिर मिक्स करेंगे, फिर और पानी लगेगा तो और डालते जाएंगे और इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा सा और हम इससे पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें ईनो या फिर सोडा कुछ भी नहीं डाला है, इससे हमने बैटर तैयार करके इसे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। अब देखिए अब जो हमने बैटर स्टफिंग तैयार किया था ना, उसी से हम छोटे छोटे ऐसे बॉल्स तैयार करेंगे। जो स्टफिंग है इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और ये बैटर में डिप करेंगे और स्पून के हेल्प से इसे हम अच्छे से बैटर में इसे डिप कर लेंगे स्पून के हेल्प से। और स्पून के हेल्प से हम एक एक बॉल्स को लेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया हुआ है, अगर आप सरसों के तेल में फ्राई करते हैं मस्टर्ड ऑयल में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये बॉन्ड, तो ज़रूर से आप भी अपने घर पर बनाएं और ट्राई करें और मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें कैसे लगा आज का रेसिपी आपको। देखिए हम यहाँ पर अच्छे से साइड साइड से डालेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाते हैं। और स्पून के हेल्प से इसे हम पलट पलट के अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। अब देखिए कितने अच्छे बढ़िया दिख रहे हैं, तो ज़रूर से फ्रेंड्स आप अपने घर पे एक बार ट्राई करें, मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर से वाली रेसिपी एक बार फ्रेंड्स अपने घर पर ट्राई करना और इन्जॉय करना। और ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताना आज की रेसिपी कैसे लगी आपको। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा ये आलू का मतलब बॉन्ड या फिर पकौड़े कितनी टेस्टी बने हैं। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी साइड से क्या, आप कैसे मतलब क्या इसके क्या नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं। देखिए इसे हमने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई किया है, उसके बाद जब एंड में थोड़े थोड़े रेड हो जाएंगे फिर हमने हाई फ्लेम पे इसे कुरकुरा होने तक फ्राई कर लिया है।
हमारे बॉन्ड फ्राई हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए आप, ये लुक वाइज जितना टेस्टी दिख रहा है, टेस्ट वाइज भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप एक बार ज़रूर से फ्रेंड्स बनाएं। और यहाँ पे हमने ग्रीन चटनी बनाया हुआ है, नॉर्मल धनिया और टमाटर का, मिर्च लहसुन अदरक का, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे कनेक्टेड।